बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 2.2 फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 8। अब 8 के हम रूट्स फाइंड करेंगे, क्यूब रूट्स ऑफ 8 के हम फाइंड करेंगे। तो लेट एक्स इज क्यूब रूट ऑफ 8, तो इस फॉर्म में हम लिखेंगे अब पावर में क्या आएगा 1/3। तो दोनों तरफ हम क्या लेंगे, क्यूब लेंगे, तो ये क्या आएगा एक्स क्यूब इक्वल टू 8। मजीद इसके बाद ये क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0। और 8 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 विच इज इक्वल टू 2 क्यूब। सही, तो मजीद में इसको इस तरह लिखूँ कि एक्स क्यूब माइनस 2 होल पावर क्यूब इक्वल टू 0। फार्मूला बन गया, फार्मूला को ओपन करूँगा तो x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो एक रूट जो है वो हमारे पास आ गया x माइनस 2 इक्वल टू 0, और दूसरा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक रूट बन गया है क्या 2, और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ए 1 के बराबर है, बी जो है 2 के बराबर है, सी जो है 4। क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके बराबर, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 ए। अब देखो इसके बाद इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा एक्स इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 पुट करेंगे तो 4 माइनस 4 ए 1 4 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 ए एक जगह 1। एक्स इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 4 4 16 डिवाइड बाय एक्स डिवाइड बाय 2। अब 16 से 4 चला गया तो कितना लगेगा, एक्स इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 12 डिवाइड बाय 2। अब माइनस 12 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, माइनस 12 को इस तरह लिख सकता हूँ कि 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3। सही, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 2 स्क्वायर रूट माइनस 3। सही, तो अब देखो इसके बाद आएगा x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइड बाय 2। सही, इसको मैंने जो एक्सप्लेन किया। अब इससे जो है 2 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पर जब 2 कॉमन लिया तो क्या आएगा 2 माइनस 1 प्लस माइनस होल डिवाइड बाय 2, ये 2 इसके साथ कैंसिल। सही, तो इसके बाद ये आ गया x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3। तो अब देखो इसके रूट्स जो है वो हमारे पास आ गया है x इक्वल टू 2 और x एक 2 आ गया, दूसरा हमारे पास आ गया माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 एक ही माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3। तो इसके हमारे पास जो है वो 3 रूट्स जो है एट के हमारे पास फाइंड होंगे। अच्छा, तो इसकी ये 2 आ गया और x की जो वे जो हमारे पास आए हैं रूट्स 2 ओमेगा स्क्वायर। सही, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। सही, ये मुझे दिया गया है और आप हमें कह रहे हैं कि इसको आप लोगों ने की वही वेज कर रहा है। सही, तो अब हम जो है यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है। तो मैं फर्स्ट क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट ये करता हूँ कि इन दोनों से ये 4 जो है ये मैं काम आ लेता हूँ। 4 जब काम आ गया तो क्या रह गया प्लस ओमेगा स्क्वायर और पावर क्यूब। सही, ये आ गया। अब सेकेंड प्रॉपर्टी जो है समाप्त रूट वो हमारे पास किसके बराबर है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर है। कि 1 इस दूसरे साइड पर शिफ्ट करूंगा तो क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 के बराबर है। तो इस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं क्या करूंगा माइनस 1। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा क्या 9 प्लस 4 और इसकी जगह माइनस 1 होल पावर क्यूब। तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा 9 माइनस 4 होल पावर क्यूब। फिर इसके बाद 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5 होल क्यूब।